हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और हम अकाउंटेंसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो कर रहे हैं। अगर हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझ लिया तो लगभग लगभग सारा अकाउंट हमने सीख लिया, फिर हमें सिर्फ उसकी एप्लीकेशन करनी है। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने जो टी शेप अकाउंटिंग है, जिसको हम मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। आज हम उसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पहले फॉलो होती थी, आज उसको करेंगे। ये भी उसके इक्विवेलेंट ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि कि हो सकता है उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पार्ट सेकंड हम आज कर रहे हैं। पहले हम उन पांच चीजों को लिख लें, पांच हेड जो उस दिन हमने पढ़े थे, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बस अब इनको जो आज की जो मॉडर्न जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें ये कैसे यूज होते हैं, बस ये सीखना है। तो ये पांच चीजें क्या थी, जो पांच हेड हमने सीखे थे, जिसमें हर ट्रांजेक्शन या हर कह सकते हैं बेसिक टर्म जाती है, वो सबसे पहले एसेट है, या तो कोई भी जो बेसिक जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो उसमें, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है तो दो एक ट्रांजेक्शन में दो टर्म्स होती हैं, तो या तो वो एसेट हो सकती है या वो लाइबिलिटी हो सकती है, या अगर ओनर लेके आया है तो वो कैपिटल हो सकती है, या वो हमारे एक्सपेंस लॉसेस, या मैंने लास्ट वीडियो में एक वर्ड और यूज किया था जो नॉर्मली लोग नहीं करते पर मैं करता हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो है क्या, परचेज। परचेज भी किसकी, गुड्स की, ठीक है। तो परचेजेस भी हम यहां ले सकते हैं, इस परचेजेस को हम कॉस्ट भी कहते हैं, तो नाम बहुत हो सकते हैं पर काम यही है। और लास्ट था हमारा प्रॉफिट, गेन और रिवेन्यू। और रिवेन्यू का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है परचेजेस किसकी होती है, गुड्स की होती है, ठीक है। गुड्स को जब खरीदा जाता है तो वो परचेज कहलाते हैं, जब उनको बेचा जाता है तो वो सेल्स बन जाती हैं, और सेल्स हमारा मेन रिवेन्यू होता है। तो ये वो पांच टर्म्स हैं या पांच बेसिक हेड्स हैं जिनमें हम हर बेसिक टर्म्स को, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इन पांचों में अब हम देखेंगे कि कैसे ये जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं कि जो हमारे पुराने रूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की, वो हमें क्या सिखाती है। तो उसने हमें बताया है कि जो अकाउंट्स हैं, जो हमने लास्ट ईयर लास्ट वीडियो में भी किया था, टी शेप अकाउंट किया था, तो ये जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट एक लेजर हेड है जिसके अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करके लिख देते हैं। तो ये अकाउंट जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, तो नाम से ही पता चलता है ये पर्सनल है, मतलब कि व्यक्तिगत है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर लें तो सबसे पहले जैसे कैपिटल, कैपिटल किसकी है, ओनर की, तो कैपिटल क्या है, एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि कोई भी डेटर्स अकाउंट, डेटर कौन है, जिनको मैंने उधार में माल बेच रखा है, जैसे राम, ठीक है, श्याम, ये सब व्यक्तिगत अकाउंट है, ठीक है। ऐसे कोई भी क्रेडिटर अकाउंट भी हो सकता है, क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिनको मैंने उधार में, जिनसे मैंने उधार में माल खरीदा है। तो नाम कुछ भी हो सकता है, नाम अमय भी हो सकता है, ठीक है, नाम आन्या भी हो सकता है, तो नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये सब व्यक्तिगत अकाउंट है, इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट को भी उन्होंने तीन हिस्सों में बांटा गया है। तो अगर पर्सनल अकाउंट के भी हम हिस्से करें तो पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है, तो पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप हैं। उस तीन अकाउंट में जो सबसे पहला जो है वो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर जो दूसरा होता है वो होता है आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट, और जो हमारा थर्ड होता है पर्सनल अकाउंट का ही टाइप वो है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तीन पर्सनल अकाउंट के टाइप हैं। क्या होता है अब इन तीनों में, देखिए जो हमने यहां राम श्याम अमे आन्या लिखा ये सब नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये सब लिविंग बीइंग होते हैं, ये जीवित व्यक्ति हैं और ये रियल हैं, मतलब ये वास्तविक इंसान है, ठीक है। तो ये लिविंग बीइंग है, रियल पर्सनल है, रियल पर्सन है एक तरीके से, ठीक है। तो इनको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं क्योंकि रियल में ही हैं। अब आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, फिर अगर हम सेकंड पर जाएं तो सेकंड हमें क्या कहता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन होगा, देखिए आपने पढ़ा है कि जो भी कोई कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, उसको कानून ने एक कंपनी माना है, जैसे एबीसी लिमिटेड, जैसे रिलायंस, ठीक है, जैसे टाटा, ठीक है। अब इनकी जो भी कंपनीज हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं, मतलब इन्होंने इनको कानून ने तो व्यक्ति माना है, अब व्यक्ति माना है इसलिए पर्सनल अकाउंट है, बट ये रियल में व्यक्ति नहीं होते, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ, ये अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझेंगे, या इस एग्जांपल को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं। अभी हम अकाउंट की सेकेंड फॉर्म की तरफ चलते हैं। पहला हमने अकाउंट कर लिया पर्सनल अकाउंट, अब अगर दूसरे अकाउंट की तरफ चलें तो दूसरा अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल। रियल के अंदर हमारी जितनी भी एसेट हैं, कंपनी की जितनी भी एसेट हैं, वो सारी रियल अकाउंट के अंदर आती है। तो रियल अकाउंट डिनोट करता है सारी एसेट को, इनको ही तोड़ना है ना हमें। तो इसमें से जो ये एसेट वाला हिस्सा है ये रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। जो कैपिटल है मैंने आपको बता दिया कि वो क्या थी, एक व्यक्ति से संबंधित थी तो पर्सनल अकाउंट है। जितनी लायबिलिटीज हैं वो ज्यादातर व्यक्तिगत होती हैं। अब वो हो सकता है किसी आर्टिफिशियल पर्सन की हो या किसी नेचुरल पर्सन की हो, बट लायबिलिटी भी सारी ज्यादातर मोस्टली कहां मिलेंगी आपको, पर्सनल अकाउंट में। अब वो चाहे अमय आन्या के रूप में हो, चाहे वो बैंक लोन के रूप में हो, ठीक है। तो वो सारी लायबिलिटीज हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में सारी एसेट आ सकती हैं, एक्सेप्ट एक दो चीजें हैं जो आपको यहां मिलेंगी, जैसे डेटर वैसे एक एसेट है, डेटर एक करंट एसेट है, बट डेटर क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है इसलिए वो यहां पहुंच गया। तो डेटर को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स कहां पहुंचेंगी, रियल अकाउंट में। तो एक एसेट है जो हमारे पर्सनल अकाउंट में मिलती है, बाकी जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी ये ज्यादातर लायबिलिटी को बिलोंग करते हैं। तो पहली तीन चीजें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में आ गई, और अब जो दो बचती हैं लास्ट वाली वो हमारे तीसरे अकाउंट में जाएंगी। मैं एक बार ये एरो मिटा दूं क्योंकि एरो कंफ्यूज करेंगे। तो अब हमारी जो तीसरा अकाउंट है जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में है उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का अकाउंट। तो ये ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ नाम मात्र के लिए है, मैं इनको यूज करता हूं और ये खत्म हो जाते हैं, तो ये कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे। मतलब कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो कभी भी हमारी बैलेंस शीट में नहीं आते, ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे आपको, कभी नहीं मिलेंगे बैलेंस शीट में।
ये जो रियल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है ये दोनों आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। ये बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, इसीलिए इनको लायबिलिटी कैपिटल और एसेट कहा जाता है। ये सब आपको बैलेंस शीट में मिलता है, ये सिर्फ नाम मात्र के अकाउंट हैं, तो इसलिए ये कभी भी आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट इसलिए इनको कहा गया है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने लॉस हैं, जितनी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, बशर्ते कि वो गुड्स अगर अनसोल्ड होगी तो वो एसेट हो जाएगी और एसेट यहां आती है। अगर मैंने उसको यूज कर उसको बेच दिया तो वो यहीं खत्म हो जाएगी नॉमिनल में, ठीक है। जितने प्रॉफिट हैं, जितने गेन्स हैं, जितने रिवेन्यूज हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट हैं। इनका उपयोग हम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं और इनका यूज एक बार यूज कर ये समाप्त हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, नॉमिनल अकाउंट। तो नाम मात्र के अकाउंट है, ठीक है, कभी भी आगे नहीं जाते। आगे भविष्य में जो जाते हैं, आगे की बैलेंस शीट में जाते हैं, वो ये दो अकाउंट है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज छोड़ दी थी मैंने यहां पर, रिप्रेजेंटेटिव। तो अब उस रिप्रेजेंटेटिव को बताना है, एक्सपेंस या प्रॉफिट या गेन, ठीक है, या रिवेन्यू या इनकम, ठीक है। तो ये सब हमें कहां, ये एक्सपेंस रिवेन्यू इनकम ये कहां जाएंगे, नॉमिनल में। बट अगर ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब इनकी आपने अभी तक पेमेंट नहीं की या ये आपको मिले नहीं, ठीक है, तो या तो आपको देने होंगे या आपको रिसीव करने होंगे। देने होंगे तो एक्सपेंस होंगे, रिसीव करने होंगे तो इनकम होगी, या हमारे प्रीपेड हैं। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, ठीक है, पेड इन एडवांस किसके लिए होगा, एक्सपेंस के लिए। एक हो सकता है रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पैसा पहले मिल गया, ठीक है, तो या आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होते। एक हिस्सा नॉमिनल में जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, यहां पेमेंट हुई नहीं है, तो दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का। तो ये जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है ये आपको भविष्य में देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको देने होते हैं, तो ये क्या बन गई हमारी लायबिलिटी। और लायबिलिटी किस अकाउंट के अंदर आ रही है, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में किस अकाउंट में आती है, रिप्रेजेंटेटिव में। तो रिप्रेजेंटेटिव में सारे प्रीपेड, सारी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब वो प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं और प्रीपेड इनकम भी हो सकती है, ठीक है। प्रीपेड क्या है, वो तो इनकम तो रिसीव्ड इन एडवांस होगी, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे एक्सपेंस भी हो सकते हैं और हमारी इनकम भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कहलाते हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कब तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब तक पैसा या तो मिल नहीं जाता या हम उसको दे नहीं देते। तो ये सिर्फ एक एक, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ये नहीं होते, ठीक है। तो ये सिर्फ उस सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, जैसे ही ये मिल जाएगी या पे हो जाएगी तो वो अपने आप ही कहां पहुंच जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में, या कैश में से कम हो जाएगी, तो वो जैसा भी केस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज आपको अभी मैं प्रॉपर वे में नहीं बता पाऊंगा। तो ये हमारे तीन अकाउंट थे, तो सबसे पहले हमें ये तीन अकाउंट समझने थे। अब एक एक करके हम इन तीनों के रूल्स समझते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन टाइप के अकाउंट होते हैं और वो पांच मेन हेड इन तीन अकाउंट में चली जाती हैं। एसेट रियल अकाउंट में जाती है, लायबिलिटी और कैपिटल पर्सनल अकाउंट में मिलेंगी आपको। एक ऐसी एसेट है जो पर्सनल अकाउंट में है, वो डेटर्स हैं, बाकी सारी एसेट्स आपको यहां मिलेंगी। जितने एक्सपेंस
इनकम प्रॉफिट गेन है वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये हमारा बेस है। तो सबसे पहले हमें अकाउंट समझने थे और वो कहां जाते हैं ये समझना था। अब हम इनके रूल्स पर आते हैं। तो हम रूल्स शुरू करते हैं क्योंकि रूल्स का ही ये टॉपिक था हमारा। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं अगर ये तीन हमारे अकाउंट हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की तरफ चलते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव कर रहा है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो पैसे रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और जो पैसे देगा वो क्रेडिट होगा। देखिए पर्सनल अकाउंट में कौन आया था, ज्यादातर हमारी लायबिलिटी थी, ठीक है, या कैपिटल थी। तो अगर हम कैपिटल को ही ले लें अभी, कि हम माने कि कैपिटल की बात हम कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो रही है आप ही बताइए, कैपिटल जो है वो क्या हो रही है। कैपिटल एक ओनर की है और वो ओनर का एक पर्सनल अकाउंट है। तो क्योंकि कैपिटल मुझे दे रहा है ओनर, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ओनर के लिए कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो गिवर होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको क्रेडिट। अब जैसे हम मानते हैं कि राम को हमने क्या किया, राम हैज पेड टू अस, अगर ये मैं लिख दूं तो एंट्री ये बता रही है, अस का मतलब हम है, तो हमें अपने हिसाब से सोचना है, राम हमें पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर राम के ऊपर रूल लगेगा अभी, तो क्योंकि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, राम। अब राम बताओ देने वाला है या लेने वाला है, तो राम क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ना, गिवर है ना। तो गिवर होने की वजह से जब ये एंट्री होगी तो इसके अंदर हम राम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का ये साइन होता है, ठीक है। तो क्रेडिट करने का मतलब ही हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। तो ये एक पर्सनल अकाउंट है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट था और वो मालिक मुझे दे रहा था इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये लिख दें हम के रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो देखिए इसके ऊपर रूल लगाना है क्योंकि पर्सनल यही है, अभी हम पर्सनल की बात कर रहे हैं। रिसीव किया शाम से, तो शाम तो फिर देने वाला हो गया, तो वो गिवर है, तो गिवर होने की वजह से क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। और अगर ये लिख दूं मैं कि पेड टू एक्स, अब देखिए एक्स कौन है, पेड हम कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एक्स को। अब एक्स क्या हो गया आप ही बताओ, अब एक्स को पैसा मिल रहा होगा ना, तो इसलिए वो क्या हो गया, रिसीवर। और जब एक्स रिसीव हो जाएगा तो वो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि उस पर्सनल अकाउंट को अगर वो रिसीव करने वाला है तो डेबिट कर दो, और अगर वो देने वाला है, अब वो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो या ये केस हो, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ये रूल था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अगर आप इसको लगाओगे, इसको यूज करोगे जब भी कोई पर्सनल अकाउंट आए, तो आप वो पर्सनल अकाउंट को अगर वो रिसीव करने वाला है तो डेबिट कर दीजिए, और अगर वो देने वाला है तो क्रेडिट कर दीजिए। ये रूल ये कहते हैं। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल रियल अकाउंट के लिए है। रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो रूल कहता है कि डेबिट
व्हाट्स कम्स इन, जो आपके पास आ रहा हो, आपका मतलब बिजनेस, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो, जो आ रहा हो डेबिट कर दो। तो एसेट जब भी खरीदी जाती है, जब भी वो हमारे पास आती है, जब उसको हम बेचते हैं, तो वो क्या होती है, जा रही होती है हमारे पास से। तो जाने की प्रक्रिया बहुत कम मिलेगी आपको, एसेट को खरीदने की प्रक्रिया नॉर्मली मिलती है। अब कोई भी एसेट ले लो, जैसे हमने लिखा कि फर्नीचर परचेज्ड, देखिए जब फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर एक रियल एसेट, रियल अकाउंट है, एसेट है, और वो एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है ना, तो जब ये आ रहा है तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अगर मैं लिख दूं सोल्ड फर्नीचर, तो आप बेच रहे हो, फर्नीचर आपके पास से अब जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, गोज आउट। तो अब आप फर्नीचर को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, तो एसेट जब आएगी डेबिट होगी, जब हमारे पास से जाएगी क्रेडिट होगी। टी शेप में भी यही सीखा था और यहां पर भी यही है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल हुआ डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो पहले तीन आइटम्स जो हमारे बेसिक हेड हैं, उसके तीन आइटम कर लिए हमने। अब हम तीसरे रूल पर चलते हैं जो नाम मात्र के अकाउंट के लिए लगता है, मतलब कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, परचेजेस, प्रॉफिट गेन, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू में सेल्स, इन सब के लिए लगता है। वो रूल हमें ये कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल हमें ये कहता है, यही हमने वहां पढ़ा था जब हम टी शेप में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी गुड्स को परचेज करने की प्रक्रिया हो, वो डेबिट में ही लिखी थी हमने। ऐसे ही हमने प्रॉफिट गेन रेवेन्यू इनकम को कहा था कि आपको क्या करना है, इनको क्रेडिट। एक ही साइड आते हैं ये, डेबिट में लॉस और एक्सपेंस और क्रेडिट में इनकम एंड गेन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सैलरी पेड। ठीक है, तो अब रूल किस पर लगा रहे हैं अभी हम, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है इन दोनों में, सैलरी। ठीक है, तो जब आप सैलरी पे करोगे तो सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस, क्योंकि इसको रेवेन्यू को कमाने के लिए यूज किया गया, तो इसलिए क्या होगी, डेबिट। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूं रेंट रिसीव्ड, या फॉर दैट मैटर कमीशन रिसीव्ड, अब जब मैं इसको रिसीव कर रहा हूं तो ये मेरा एक्सपेंस तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब कमीशन और रेंट क्या है, मेरा इनकम है। ठीक है, अब ये इनकम है तो इनकम का रूल क्या कहता है कि इनकम को हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट का जो साइन होता है वो क्या होता है, टू, और टू के साथ क्या लिख दिया जाता है, जो भी इनका नाम है, जैसे रेंट है तो रेंट, कमीशन है तो कमीशन। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस सैलरी भी हो सकता है, एक्सपेंस रेंट भी हो सकता है, एक्सपेंस कमीशन भी हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंस स्टेशनरी परचेज करना भी हो सकता है, एक्सपेंस गुड्स परचेज करना भी हो सकता है, ऐसे ही जितने भी इनकम्स हैं, लॉसेस, लॉसेस का एग्जांपल मैं दूं आपको, तो लॉस का मतलब है कि
लॉस बाय फायर, आग लग गई उसकी वजह से नुकसान हो गया, डेबिट होगा, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, किसी ने चोरी कर ली तो वो भी लॉस है, वो भी कहां आएगा, डेबिट में। एक एसेट बेची, एसेट को बेचने पर मुझे 5,000 का लॉस हुआ, वो भी लॉस है तो वो भी कहां जाएगा, डेबिट में। तो जितने लॉसेस हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट हमें यही कहता है। और जितनी इनकम गेन्स प्रॉफिट हैं, ये सब क्या होते हैं, क्रेडिट। तो ये तीन रूल थे जो गोल्डन रूल कहे जाते हैं, और जिसको ये तीन रूल इन तीन अकाउंट के साथ समझ में आ गए, वो किसी भी प्रकार की जर्नल एंट्री पास कर लेगा। और अगर हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे तो हम अकाउंट बना लेंगे, हम कभी भी अकाउंट में कोई गलती नहीं करेंगे, अकाउंट्स का सब्जेक्ट हमारा परफेक्ट हो जाएगा अगर हमने इन रूल्स को समझ लिया, सीख लिया। तो ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज की जो है हमारी क्लास वो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन तीनों अकाउंट्स को सीख चुके होंगे, और अब आप इनकी एप्लीकेबिलिटी जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो किस पर होगा, ओरिजिनल एंट्री पर, ओरिजिनल एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री, तो अब हम अपना रियल प्रैक्टिकल वर्क ऑफ अकाउंटिंग शुरू करेंगे। ये सब इनका बेस था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस ये था, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, दोनों अप्रोच से आपको सिखा दिया। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आप ये रूल जरूर सीख जाएंगे, और रूल अगर सीख गए तो आप पूरी अकाउंटिंग कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल का नाम कॉमर्स डिजिटल क्लासेस है, और अभी अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे 11th और 12th दोनों में अकाउंट्स की भी और बिजनेस स्टडी की भी सारी वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहें।